इन दोनों को छुटा के देखते हैं, ठीक है। अरे करंट नवाने के हैं। मैंने भी तो चप्पल पहन रखी है। अरे नौ नौ कुछ भी टेंशन नोट। हाँ तो भाई साहब काफी तबीयत खराब हो रही है, थोड़ा पैर बाहर से लग रहा है। 9 महीना मैं कूद चुका हूँ। अच्छा 10वां महीना लग गया है। और भाई आज है 3 अक्टूबर जब मैं गाइस ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, पता नहीं भाई आपको चमकेगा नहीं चमकेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस जो आप समझ रहे हो गलत समझ रहे हो भाई साहब, मौसम चेंज हो रहा है यार। और भाई कैमरे को मैं अल्ट्रा वाइट पर लगाना भूल गया। हवा काफी तेज चल रही है, मौसम बहुत सुहाना है, बहुत बढ़िया है। और ये भाई लेकर आए हैं चाय, नींबू चाय। नींबू वाली चाय तो फटी क्यों नहीं, ले लो गाइस चाय, कॉपीराइट फ्री। तो भैया मैं फटाफट जल्दी से खत्म करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। बिल्कुल जस्ट अभी अभी हमने चाय पी। तो भाई मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जो SMD सोल्डिंग आनंद था, भाई देखो उसमें से पंप निकाला मैंने भाई साहब। भाई इसको मैंने वीडियो बनाई थी, इससे गाइस मैंने एक बैलून पंप भी बनाया था, बनाया नहीं था वो, मैंने सिर्फ इसे लगाया था। मैं जस्ट अभी अभी समर एक्सपेरिमेंट का काम करके हटा हूँ, 2 दिन लगते प्रोजेक्ट को बनाने में। और गाइस ये 4 अक्टूबर को शाम को डल जाएगा डेफिनेटली। और भाई इसमें काफी सारे भाई, ये किसने डाला, ये जरूर मोंटी की हरकतें हैं भाई, वो बहुत खाता है। और ये वीडियो बनता हुआ एडिट कर रहा है, ये इस पार्ट को उड़ा सकता है, तो गाइस देख सकते हो। तो भाई साहब आज इसका हम ऑपरेशन करने वाले हैं। मैं गाइस कोशिश ये करूंगा कि भाई साहब मैं इसका पोस्टमार्टम ना करूं। काफी लोग कहते हैं समर भाई तू पोस्टमार्टम कर देता भाई, उसके बाद वो चीज ठीक नहीं होती। मैं यार कोशिश करूंगा भाई, फिर भी क्या करेगा आदत से मजबूर, क्या करूं ओ बेबी मैं हूं आदत से मजबूर। काफी भारी पंप है, ऐसा बात है हल्का फुल्का ना भाई साहब, ऐसे बगल में घुस जाओ कोई से, आई चुप रहो है, आए विवेक ओवर है, विवेक चुप रहो है, पंप चुप रहो है, रुक जाओ। हां जो बात है गाइस हो गया। दे भाई साहब 1 किलो 66 ग्राम देख रहे हो, भारी है भाई ये। गाइस काम कैसे करता है ना, हम इसके बारे में जानेंगे आज। मतलब भाई इसके अंदर अच्छा प्रेशर है। तो भाई ये किस बेस पर काम करता है, किस सिद्धांत प्रिंसिपल काम करता है वो जानेंगे आज इस वीडियो में। खुजली लगी रहती है मेरे अंदर, आप जानते हो गाइस भाई कोई चीज ले स्पेशल, तो भाई तक खोल कर देखें। मैं जानता हूं। तो भाई साहब फटाफट पहले से हम चालू करके देख लेते हैं। हाँ पहले गाइस मैंने कुछ चीज के अंदर नीचे वो लगाए थे फोम को कुछ पीस, तब जाएगा इस ये वाइब इसकी काफी कम हो गई थी। और मैंने इसके तार भी नीचे लेके देखो, फिर भी गाइस ये चला, थोड़ा बहुत तो वायर निकल रहे होंगे, तो ये हल्के फुल्के। तो भाई साहब वैसे देखने में तो भाई ये काफी शरीफ से मोटर लग रहा है, इसको उठावा तो बहुत बढ़िया लिया हमने स्पेशल, मुझे भी मजा नहीं आ रहा था खोलने में, ड्रिल मशीन लगानी पड़ेगी। खोलने में गाइस बहुत टाइम हो जाएगा और हाथ तो भी दुख जाएंगे भाई साहब। ठीक है हियर भाई साहब लाइक मार दो, इस चक्कर में गाइस मैंने रखा याद आ जाती है, बहुत तेज हो रहा है। तो ये रही हमारी ड्रिल मशीन, जब तक बेचारी चल रही है, काफी पुरानी ड्रिल मशीन है, काफी मस्त चल रही है जब आते हैं। तो भाई साहब देखा जरा फास्ट फास्ट खोल के दे भाई, मेरे को नहीं पता पहले यहीं से खोलना। आज फिलहाल गाइस का फाइनली अपना ऑपरेशन कर ही दिया देगा भाई। और कहीं है इसमें नीचे भी फौजी भाई, ये भाई साहब सॉल्यूशन लगा रखी है जिससे वाइब्रेशन से जो ना इसके ये नट ना खुले हैं। देख रहे हो विनोद भाई, किस किस का नाम विनोद है पता तो लगा भाई, कोई विनोद है भी है ऐसे बोल रहे हैं विनोद भाई को। I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No. घंटे भर जाके ये निकला, इतने सारे स्क्रू भाई साहब। Control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I'm. निकलेगी इसकी? ये भाई इसके अंदर दोनों ट्रांसफॉर्मर है। अब कैसे थोड़ा सा चला के देखते हैं। यहाँ पे देखो पंप तो गई असली यहाँ है, देखो यार देखो ऐसा ये बड़ा, देखो ये थी और ये ऐसे तो था। चलो मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ये दोनों दो साइड पंप है, दोनों एक साथ मिले हुए हैं और भाई यहाँ से फिर आउटपुट निकलता है, जिसका आउटलेट है वो ये एरिया है। अच्छा होगा इस, मैंने इसे यहाँ से नहीं खोला, वैसे खोल सकते हैं लेकिन ये चिपक रहा है, देखो यहाँ से खुल नहीं सकता, देख रहे हो ये रहा। यहाँ पे इन्होंने इसको बस ऐसे लगा रखे हैं लेकिन भाई ये खुल नहीं सकता। एक भाई से स्लो मोशन में देखेंगे गाइस अगर दिख जाए तो। मैग्नेट फील्ड जनरेट होता है जिससे गाइस ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होता रहता है। ये सबसे बेस्ट जुगाड़, मतलब वजन जो गाइस इन ट्रांसफार्मर के अंदर है, जो भी है नंगे धंगे ट्रांसफार्मर है ये। इसे खोल के भी देखते हैं क्योंकि गाइस जब तक इसे खोल के निकालेंगे ये मजा नहीं आएगा, इनके साथ हम खेला खेलेंगे। तो भाई चाबी जो है ना थोड़ी छोटी चलेगी इसमें, लेकिन भाई इसमें भी वही लगा रखा जिससे भाई सब ये खुले ना, लेकिन ये तो खुल रहा है, हे फेल कर दिया हमने। तो भाई मैं फटाफट से फास्ट स्पीड पे पहले खोल लेता हूं, वरना गाइस जान तक जाता है हमारे लोग आप जानते हैं। No,
साहब ये खुल गया लास्ट बोल्ट, ज्यादा नहीं पूरा डेढ़ घंटा लगा हुआ था खोलने में, इतना तो हमारे पास है, नल्ले लोग हैं हम। अब देखें भाई ये निकल जाए तो लग तो रहा निकल जाए, लेकिन भाई साहब यहाँ पे जो ना ये देखो चलो भाई साहब, ये रहा भाई साहब देखो ब्रो, यहाँ बनता है मैग्नेटिक फुल जनरेटर होता है यहाँ पे, एक तरह का इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये। और भाई ये देखो ये छोटे छोटे कोर के पीस लग रहे हैं भाई, वाह देखो ये भाई साहब गंदे भी पड़े हैं, जंग लगा पड़ा है। तो इस बार गाइस हम कभी कभी किसी चीज की सर्विस भी कर देते हैं, ये ऐसा लगा जैसे कि ब्रेक छोड़ रहे हैं ना बाइक के, साइकिल के सेम वो लग रहे हैं, क्या क्या चीज निकालने पड़ रही है यार। देखो भाई ये इस तरह का होता है, ऐसे गाइस पंपिंग होती है, ये खुल गया ऐसे वाला खुल गया, ऐसे गाइस ये चलता रहता है प्रोसेस, यहाँ पास लगा देगा भाई है देखो ये हाथ से भी कर सकते, लेकिन काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो भाई ऐसे ऐसे देखते हैं ये क्या करेंगे, काफी ज्यादा यहाँ फैल गया मामला सा, जुड़वा भाई देखो, ओ भाई भाई आवाज सुन रहे हो, देखो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट सेम ईयर, ओ देखो भाई प्लास पता मजबूत तरीके से छुपनी चाहिए, देखो भाई साहब, ओ भाई हाँ एक तरीके से गाइस इसे चेंज करके देखते हैं, आपको जो ना ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं, देखो भाई साहब देखो भाई आवाज आ रही है, तो वाह बिना मत दे, इन्हें दोनों को ऐसे लगा कर देखता आपस में, यार तार छोटा मुझे भाई तार या बड़ा होना चाहिए था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो भाई साहब देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, ठीक है मोहब्बत है नहीं है, नहीं देखो भाई मोहब्बत तो है, पर ये कह रही है मैं थोड़ा सा और पास लेकर आओ, चलो भाई यहाँ देखते हैं, ओ देखो भाई साहब, ओ भाई साहब ये बड़े तो करो, कोई मैग्नेट जो इसके अंदर है ना मैग्नेट इसके बीच में थोड़ा दूर ही इनकी बीच में ज्यादा कर देखते हैं, लगभग आधे इंच से ज्यादा इसके बीच में गैप है, कोशिश तो कर रहे लेकिन गाइस मजा आ रहा है चपाते, इन दोनों को छुटा के देखते हैं ठीक है। तो भाई छुट तो गए भी, छुड़ा के देखो अरे करंट मारने के है मैंने भी तो चप्पल पहन रखी है, अरे ना ना कुछ भी टेंशन नोट, चलो देखो इससे बच के रहना जो तार आ रहा ना, चलो चालू करो पहले हटाओ इसे थोड़ा सा, चलो छुटाओ छुटाओ लगाओ छुटाओ, सकती है मेहनत पावर है लोडने में, शक्तिमान वाली पावर है। चलो भाई साहब तो गाइस फटाफट पहले मैंने इनके अंदर लगाता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं। लग तो गया है, लगे भाई साहब इसके बीच की दूरी जो ना वो देखनी पड़ेगी गाइस कितनी रखनी है, ये बस भाई मिलनी नहीं चाहिए, और ये ऑटोमेटिक मिल रहे हैं क्योंकि भाई जानते हो ये मैग्नेट है तो इसे चिपका कर रखेंगे, और भाई साहब ये बड़ी समस्या पैदा करेंगे भी जो बात है, ये बीच में चलना चाहिए और ये चिपकना चाहिए गाइस, चिपका रहा क्योंकि आप जानते हो इसमें मैग्नेट है भाई, मरना दिक्कत होगी भाई। तो फौज भाई बैठ गए हैं घोड़े बेच के, गाइस सेटिंग करने नहीं आती, सेटिंग करा दो मेरी, ये होगा लगभग ठीक ठाक, क्या करो गाइस पहले अपनी कर ले, चलो भाई तुम पहले लो पहले बनी, वरना गाइस फौज भाई की सेटिंग कराओ फटाफट, फौज भाई मैंने करना है कि हमको तो कर लेंगे, कभी तुम इनके हाथ में कुछ गलत पकड़ा दो भैया, फिर ऐसे डरे बहुत ज्यादा है, इनके हाथ में बंदूक पकड़ाओ तो नहीं डरेंगे, बम पकड़ाओ तो नहीं डरेंगे, अब कुछ ऐसा थोड़ा गलत हाथ पकड़ा देना फौज भाई, डर लग रहा है। चलो भाई साहब एक बार चला के देख लेते हैं ऊपर वाले का नाम लेके, कि भाई साहब चला है नहीं चला है, देखें आवाज कैसी आएगी, बढ़िया इस बीच में गैप है, इसमें थोड़ा ज्यादा है इसमें थोड़ा कम है, तो इसमें थोड़ा सा दूरी करो इसे, क्योंकि भाई कभी खुशी कभी गम उतारा रम पम पम वाले हिसाब ना हो जाए। चलो भाई साहब ये थोड़ा ठीक है, और भाई साहब इसे चालू कर देखें, बेहतरीन लोंडो लवारो, भाई साहब फटाफट जो है ना इसे लगा देता हूँ जैसे ये लगा हुआ था, ला ला ला।
अरे फौजी भाई ने बहुत अच्छा दिलाई मेरे को भाई, ये तो फौजी भाई जैसा भाई। देखो पहले इसमें सोल्यूशन लग रही थी, क्यों गाइस? क्योंकि भाई ये नटे लूज ना हो जाए, खुल के निकल ना जाए, खुल के गिर ना जाए। फौजी भाई टाइट कर देना सही से ना, सही से ना टाइट करना बनता अभी, क्योंकि ये सरक जाएंगे मैग्नेट है ना, चाबी से आते कल ठिकाने। ये फौजी भाई ने बहुत अच्छी बात बताई मेरे को। पत्थर के सनम दर्द ला भाई, दर्द नहीं आ रहा यार। अगला बंदा वाइन बना रहा, इतनी सारी कॉमेडी वीडियो बना रहा, वो कहाँ से दर्द ले आएगा? तुमने दर्द वाला गाना पकड़ा लिया, चला जा जा। फिर बाद में कह रही हो भाई सीआरडी में लाश कर रोल कर। नहीं हो गया, मैं तो फैट हो गया। ये तो बहुत अच्छी दवा है, जब ये बचेगा दर्द अपने आप दर्द नहीं होगा। भाई को पता ना, तो भाई मेरे से नहीं होगा भाई सब। मैं तो भाई मैंने कर रहा हूँ साफ, तुम मेरी जान ले लो लेकिन मैं नहीं करूंगा ये काम। चलो भाई तो फटाफट लगाते हैं। चलो भाई ये लग तो गया है, और स्प्रे तो गाइस मैं बाद में लगा दूंगा ना, क्योंकि इसकी वैसे कोई खास जरूरत है नहीं, ये सिर्फ रोकने के लिए है। ऐसी ये लग जाएगी यहाँ पर, हाँ देखो ऐसे लग जाएगी, ये लग गई। चलो तो बाद में रहेंगे, चला के देख लेते हैं पहले। मैं फौज भाई करंट लगवाने का पूरे पूरे चांस है। ओ भाई बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आवाज ले रहे हैं भाई, मस्त आ रही। देखो नहीं देख रहे, देख लो अच्छा गाइस, हमारी फिल्म आने वाली है चल गुरु हो जा शुरू, चले मेरे ले गए दर्जन केले। कहने तुम कुछ और वाला है लेकिन वीडियो सब देखते हैं। चलो भाई सब बात लगेंगे, जो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था इस बार कैसे वो गलती नहीं करूंगा। अल्ट्रा वाइड पर लगा रखा है मैंने कैमरा, आप मेरा पूरा पिछवाड़ा देखोगे, मतलब ये वाला ये पिछवाड़ा हो गया ये वाला। अरे हाँ फ्रेंड्स, ये ब्लॉग आपको अच्छा होगा, काफी मौज मस्ती गाइस होते रहती है। सुबह से मजदूरी कर रहे थे, कल भी पूरे दिन मजदूरी की, समर एक्सटेंड पर सुबह से दोपहर तक करी, अभी गाइस रात भी करेंगे क्योंकि भाई नाइट टेस्टिंग है। प्रोजेक्ट गाइस आपको काफी धांसू मिलने वाला आज, यानी कि 4 तारीख को जब ये ब्लॉग डलेगा। वैसे गाइस मैं 3 को शूट कर रहा हूँ, डलेगा 4 को 9 बजे। तो गाइस काफी मजा आने वाला है आपको उस प्रोजेक्ट में। गाइस काफी लोगों की कमेंट है समर दिवाली को एक प्रोजेक्ट बनाओ, मैंने सोचा कि भाई चलो भाई जल्दी बना लेते हैं, तो गाइस मैंने सुन ली। तो फ्रेंड्स आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा, काफी मौज मस्ती गाइस होती रहती है। आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, बाय बाय।